फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी ए ड्रीम। आज शुरू करते हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। क्या पता ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं आगे आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसरो की। इसरो ने हाल ही में PSLV C-42 जो प्रक्षेपण यान है, इसे ब्रिटेन के लिए दो उपग्रह भेजे हैं, इनोवा SAR और S-14। ये दोनों के दोनों उपग्रह हैं, ये ब्रिटेन के हैं, इनको भारत ने भेजा है इसरो द्वारा। इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है। PSLV जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, इनकी फोर फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। 15 प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये वैसे मनाया जाता है जब भारत के अंदर महात्मा गांधी आए थे, विदेश से वापस आए थे, उसकी याद में ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। अभी योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री के आपसी समझौते के बाद इसको मनाया जाना तय हुआ है और ये वाराणसी में 21 से 23 जनवरी के मध्य मनाया जाएगा। 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन वाराणसी में 21 से 23 जनवरी के मध्य मनाया जाएगा और इसके दौरान विदेश से आने वाले जो अतिथि हैं वो अपने गणतंत्र दिवस में भी भाग ले सकेंगे। उसके बाद एक मिसाइल है जिसकी अपन बात करेंगे, MPTGM मैन पोर्टेबल टैंक गाइडेड मिसाइल। ये सिपाही के द्वारा यूज़ की जाती है आर्मी के अंदर, जैसे उसको मैन पोर्टेबल जैसा कि नाम से डिफाइन है कि इसको एक पर्सन मैन आदमी भी इसको उठा के चल सकता है। इसके अभी परीक्षण किए गए हैं अहमदनगर में। पहला सफल परीक्षण इसका हुआ है 15 सितंबर को और दूसरा इसका सफल परीक्षण हुआ है 16 सितंबर को। दोनों ही सफल परीक्षण किए गए हैं। बता दूं कि MPTGM मिसाइल है, ये DRDO और उसके सहयोगी संस्थाओं द्वारा निर्मित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सेना के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी एक योजना शुरू की है जिसका नाम है PM आशा योजना। पीएम आशा योजना क्या है, देखिए सबसे पहले तो बता देता हूँ, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसकी फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके तहत क्या क्या इम्प्लीमेंट किए जाने हैं वो देखिए, किसानों की फसलों की सुरक्षा करना, इसका अर्थ है कि किसानों को जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है वो प्रोवाइड करवाना, जैसे अभी कुछ फसलें उनका 1.5 गुना किया गया है, फिर किसानों की आय 2 गुनी करना, इसका टारगेट 2022 तक रखा है, और तिलहन को भी समर्थन मूल्य पर खरीदना, अभी तिलहन को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा था। आगे बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में अच्छे से देखना। HIV आकलन रिपोर्ट है ये 2017 जारी करेगा अभी, और जारी करने के लिए इसके लिए जो संस्था है वो है नाको, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान व राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान के सहयोग से नाको द्वारा जारी की जाती है HIV आकलन रिपोर्ट और ये भी जारी की जाएगी 2017 की। 2 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित की जाती है, ये आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और ये इसका अभी जो होने वाला है ये इसका 14वां संस्करण होगा, ठीक है। उसके बाद जाते जाते आपसे एक और बात, जो करंट का क्वेश्चन है HIV एंड एड्स एक्ट 2017 अभी जो 10 सितंबर से लागू हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये बना 2017 में था लेकिन अभी पारित हुआ है, अभी लागू होगा HIV एंड एड्स एक्ट 2017, 10 सितंबर 2018 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कमेंट्स में लिख के बताइए, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।